नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर्स एंड मोर पर। और आज की इस वीडियो में मेरे साथ नवनीत है और ओला का S1 प्रो है, यानी कि राइडर भी है और पिलियन भी है। तो दोस्तों, एक राइडर और पिलियन के साथ में इसकी टॉप स्पीड कितनी जाती है, जैसे कि इसमें आपके तीन राइडिंग मोड आते हैं, नॉर्मल मोड आता है, आपका स्पोर्ट्स मोड आता है और हाइपर मोड आता है। तीनों ही मोड की मैं आपको टॉप स्पीड दिखाने वाला हूँ, एक्सेलरेशन कैसा रहता है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहता है और कितना और कहाँ तक ये स्कूटर भाग पाता है, वही मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो फिर आप वीडियो को लाइक भी करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और हमारे चैनल मोटर्स एंड मोर को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को ऑल पर जरूर करेंगे, जो आपको ऐसी ही वीडियोज मिलती रहे। और ये टॉप स्पीड को चेक करने से पहले एक बार मैं आपको इसके मोड्स वगैरह के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, बेसिकली फिलहाल इसमें आपके तीन मोड आते हैं। फिलहाल ये नॉर्मल मोड पर पड़ा है और इधर से ये इसका स्पोर्ट्स मोड आ गया और एक इसमें ये आपका हाइपर मोड आ गया। एक इसमें अभी इको मोड भी आना है, उसके बारे में ये ओला वाले कहते हैं वो ये एक OTA अपडेट से दे देंगे। तो फिर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये नॉर्मल, स्पोर्ट्स और हाइपर मोड की स्पीड देख लेते हैं कि ये कहाँ तक जाता है और इसका एक्सेलरेशन वगैरह कैसा होता है। और सबसे पहले स्कूटर को हम नॉर्मल मोड में चलाएंगे और नॉर्मल मोड में उठाते हुए कुछ ऐसा खास इसका एक्सेलरेशन होता नहीं है, काफ़ी आराम से उठता है, मतलब कोई कुछ ज़्यादा पावर आपको फील नहीं होगी। लेकिन एक बार जब ये 30 तक चला जाता है तो फिर आपको थोड़ी पावर फील होने लगती है। और फिलहाल आप देख सकते हैं नॉर्मल मोड में भी ये 60 किलोमीटर तक की स्पीड तक चला गया है और 60 के बाद भी स्कूटर काफ़ी अच्छे से उठ रहा है। मतलब फिलहाल ये 68, 69, 70, 75, 76, 77, 79। और फिलहाल नॉर्मल मोड में मैंने इसको पूरा एक्सेलरेशन दे रखा है और ये 80, 81 तक ही जा रहा है, बिल्कुल बस 80 पर जाकर के रुक जाता है। फिलहाल मैं इसका मोड चेंज करता हूँ। तो दोस्तों, ये नॉर्मल मोड में आपकी 80 तक गई है, अभी फिलहाल मैं इसका मोड चेंज करता हूँ, इसको डालता हूँ स्पोर्ट्स मोड में। और अभी ये स्पोर्ट्स मोड में रहेगी तो एकदम से आपको बूस्ट फील होगा और एकदम से ये 85 तो एकदम से चल जाती है। फिलहाल 96 तक जा चुकी है, एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कितना जाती है। तो दोस्तों, जैसे ही आप ये स्पोर्ट्स मोड में इसको डालते हैं तो आपको एकदम से इंस्टेंटली पावर फील होती है और ये 95 तक बड़े आराम से चली जाती है। आप देख सकते हैं फिलहाल ये 95 चल रही है। तो 95 को टच करने के बाद अभी भी मेरा स्कूटर स्पोर्ट्स मोड में ही है और स्पोर्ट्स मोड में जो इसका एक्सेलरेशन है वो जो नॉर्मल वाला मोड है उससे आपको थोड़ा बेटर ही फील होता है। लेकिन फिर भी नॉर्मल मोड में और स्पोर्ट्स मोड में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क पता है कब आता है, जब आप इसको यहीं के यहीं डाल देते हैं अपने हाइपर मोड में। आप जैसे ही हाइपर मोड में डालते हो तो आपकी बाइक थोड़ी सी पीछे हो जाती है, इतना तगड़ा एक्सेलरेशन आपको इसमें मिलता है। और आप देखो, मतलब कि 55 से लेकर के 80 कितनी जल्दी ये पकड़ लेता है। और फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये उड़ता है। तो फिलहाल ये हाइपर मोड में और बिल्कुल उड़ रहा है स्कूटर। तो दोस्तों, फिलहाल ये हाइपर मोड में चल रहा है 40 की स्पीड से और अभी मैं आपको इसको भगा करके दिखाता हूँ कि कितना जा पाएगा। आप देखिए किस तरीके का एक्सेलरेशन ये स्कूटर आपको देगा, मतलब 70-75 की स्पीड हाइपर मोड में इसके लिए कुछ नहीं है। 90 जा चुका है और 95, 98, 99, 100 और 100 पर जाने के बाद भी कोई भी ऐसा पावर में लैग नहीं है। जितनी पावर एक 150cc की मोटरसाइकिल में होती है, इतनी पावर आपको 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर फील होगी। और 112 तक ये बड़े आराम से जा रहा है और हम दो लोग बैठे हुए हैं तो दोस्तों, दो लोगों के साथ ये 112-113 की स्पीड बड़े ही आराम से पकड़ लेगा, आप देख सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसे कोई पावर की कमी है। मैं फिलहाल कुछ थोड़ा सा स्लो करता हूँ, स्लो करके फिर से उठाता तो बिल्कुल फिर से इसी पावर से उठता है, कोई भी ऐसा लैग नहीं है। मतलब कि आप इसकी पावर को इतना मान सकते हैं जितनी कि हमारी 150cc की मोटरसाइकिल में पावर होती है, कुछ उतनी ही पावर आपको इस स्कूटर में दी गई है। तो दोस्तों, हाइपर मोड में ये ओला S1 प्रो लगभग 11 सेकंड के आसपास 0-100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेता है। और अगर आप किसी भी 125-150cc की मोटरसाइकिल या स्कूटर से ओला S1 प्रो पर स्विच करोगे तो फिर इसका हाइपर मोड आपके लिए अपग्रेड ही है। और बाकी अगर नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड की बात की जाए तो फिर नॉर्मल मोड में कोई ऐसा खास एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये नॉर्मल मोड में 80 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पकड़ लेता है। और स्पोर्ट्स मोड में नॉर्मल मोड से बेटर एक्सेलरेशन है और स्पोर्ट्स मोड में ये 95 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड भी पकड़ लेता है। और मुझे इसका ये स्पोर्ट्स मोड ही सबसे बेटर मोड लग रहा है, क्योंकि इसमें ये आपको 120 किलोमीटर के आसपास की रेंज भी दे देगा और आप हाईवे पर आराम से 80-90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रूज भी कर सकते हैं। बाकी आपको ओला S1 प्रो की परफॉर्मेंस कैसी लगी वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।